गाइस ये देख लो, ये ऊपर से पानी आता है वो पहाड़ों से। गाइस ये देख लो, सॉरी खुला हुआ है एक, अभी ये खुला हुआ है, देखो इतना पानी है। जब सारे खुलेंगे ना तो कितना पानी होता है। वेलकम बैक विद अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी, आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम जा रहे हैं रियासी, क्योंकि सौरभ भाई को थोड़ा काम है, तो कॉल कर रहे थे मेरे को, पूछ रहे थे कि फ्री है, तो मैं तो फ्री रहता हूँ, आपको पता ही है। तो काफ़ी टाइम हो गए ब्लॉग भी बनाए हुए वैसे, तो चलो बनाते हैं आज का, कभी मिलती है आपको आगे। गाइस अभी हम निकल गए हैं, तो रोड की हालत देख लो आप कितनी ख़राब हो गई है। सौरभ भाई चला रहे हैं स्कूटी अभी, तो ये सामने जगह देख रहे हो आप, यहाँ पे सर बड़ी बार आया हुआ, सर आया हुआ ना सर, चले आज नहीं जाना, आज लेट हो जाएंगे। सर आ जाना, ये मारुति सुजुकी शोरूम आ गया। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप पे, डलवाने लगे हैं पेट्रोल, फिर निकलेंगे आगे। तो आज सौरभ टैंकी फुल करवाएगा। गाइस ये आगे पीछे बंदे को देखो, आगे 50-50 किलो आता था ऑयल, तो आज पूरी टंकी कर रहा है, खर्चा कर रहा है, काम इसको ही है भाई। तो मैं तो इसी के साथ जा रहा हूँ आज। गाइस अभी हम अभी रुके हैं यहाँ पे पौनी में, पहला स्टॉप हमने लिया यहाँ पे पौनी में, तो चाय वगैरह पियेंगे कि ठंडे हो गए। वहाँ से सुंदर हमसे स्कूटी लेके आए हैं, अभी घर वालों को नहीं पता है कि हम स्कूटी लेके आए हैं, अगर घर वालों को पता चला ना तो हमारी बैंड बजा देंगे भाई। ब्लॉग देख के तो पता चल जाएगा उनको वैसे। तो ये पीछे देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ बन रहा है पीछे, बड़ी सी जगह है। गाइस ये देख लो पीछे कितनी मस्त जगह है, देखो हवन कुंड वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे। ये आ गया हमारा इंडियन फ्लैग, पीछे पहाड़ी ही पहाड़ी है। सौरभ भाई पार चाय का ऑर्डर दे रहा है। गाइस अभी चाय वगैरह पी ली है, तो अभी हम निकलने लगे हैं, तो 100 रुपये पीछे कटवा रहा है बिल, तो चलते हैं अभी आगे जाके आपको देखेंगे। अगर रात पड़ गई तो मुश्किल ही है, नहीं तो कल, अगर रात पड़ गई तो मुश्किल ही है, तो नहीं तो फिर कल घुमाएँगे आपको। अगर जल्दी फ्री हो गया तो सौरभ को कहाँ ना, वहाँ से वो जल्दी फ्री हो गया तो फिर चलेंगे। अभी सौरभ कर रहा है हवा से बचने के लिए बंदोबस्त, तो चलो मिलते हैं भी आपको जाके आगे। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं रियासी ब्रिज पे, तो पीछे आप देख रहे हो पूरी धुंध ही धुंध पड़ी हुई है। जे आ गया चिनावरी बने, तो ये सौरभ है, तो चलते हैं भी आगे, तो रात को देखेंगे, नहीं तो सुबह ही करूँगा ब्लॉग स्टार्ट। ठंड पड़ी है, मैंने कैप वगैरह लगा ली है, क्योंकि यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू हमारे सुंदर होने से ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। गाइस अभी हम पहुँच गए हैं रियासी, तो हमने ले लिए रूम, तो सौरभ अभी बातें कर रहे किसी के साथ, तो पीछे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो पीछे यार कितना मस्त अभी पहुँच रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, अब हो चुकी है दूसरे दिन की शुरुआत। तो सौरभ भाई गया था सुबह, जो उसको काम था वो उसने फिनिश कर लिया, तो अभी हम जा रहे हैं कहीं पे। सौरभ भाई पीछे स्कूटी कर रहे हैं स्टार्ट, तो देखते हैं भी अच्छा सा व्यू पॉइंट जाएंगे वहाँ पे, वहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर। सौरभ भाई हो गया आपका काम? हो गया। कब कहाँ जाना? छोटी गाई चलते हैं घूमने, तो पीछे गाड़ी चल रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, तो आगे जाके आपको दिखाते हैं अच्छा सा व्यू पॉइंट। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं की है, वो भी करनी, रुकते हैं आगे जाके। आज निकल गए थे हम, अभी रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए,
तो ब्रेकफास्ट करके देखते हैं कि कहाँ पे जाना है, जो अच्छी सी लोकेशन हुई वहाँ पे चलेंगे। सौरभ भाई भी फ्री हो गए आज, फ्री हो ना बिल्कुल, काम तो नहीं भाई, अब कोई काम नहीं है तो घूमना ही है हमने। गाइस आ चुके हैं हमारे परांठे, तो खाने लें खा के निकलेंगे फिर आगे। अभी हमें एक लोकेशन में पहुंचे, देखो कितना मस्त पॉइंट है यार, नीचे देखो मेरी क्या तेरी फट रही है। सौरभ पी प्लस डी तूने भी लिखना कुछ। गाइस ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सौरभ आज नहाया नहीं है, मैं तो सुबह उठ के नहा बैठा था लेकिन सौरभ नहा रहा नहीं, बोलता ही है ठंडा पानी है। अरे नीचे जाके नहाना है, कसम से कितना कह रहा होगा सौरभ आइडिया। पीछे व्यू देखो यार, गाइस जी नीचे देखो पानी कैसे चल रहा है, देखो यहाँ पे हवा भी आती है, यहाँ पे बंदा गर्मी में आया नहीं, यहाँ पे मजा आ। गाइस अभी हम पहुँच गए हैं सियाड़ बाबा, तो वहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर, पीछे आप देख रहे हो पहले पहले काफ़ी रश होता था जहाँ पे, जब से वो इंसिडेंट हुआ था ना वो पहाड़ी ऊपर से गिरी थी तब से रश कम हो गया यहाँ पे, कम क्या बहुत ही कम बिल्कुल। गाइस ये देख लो, ये ऊपर से पानी आता है वो पहाड़ों से, यहाँ पे पहले यहाँ पे ना यहाँ यहाँ तक ना पूरा पानी पानी होता था, जब से पहाड़ी गिरी ना ऊपर से बड़े सारे लोगों की बेचारों की डेथ हो गई थी उसकी वजह से यहाँ पे टूरिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गया यहाँ पे। ये देखो वहाँ पे मंदिर हुआ करता था, बहुत पहले आया था ना वहाँ पे ना मंदिर हुआ करता था पहले पहले। चलो गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो देखते हैं भाई अगर अच्छी सी जगह हुई आगे हुई वहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं होगी, अंदर वगैरह जाने ही नहीं देंगे वो। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं दूसरी लोकेशन पे, तो चक्कर ये बना है कि हमें नहीं, हमारे पास परमिशन नहीं थी सलाल डैम जाने की, तो नहीं जा पाए। वो पीछे देख रहे हो आप जी है सलाल डैम, तो ये मैं बता दूं आपको यहाँ पे अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर वही आगे सप्लाई होती है मतलब शहरों में गाँव में जो भी है यहाँ के एरियो में। तो सौरभ भाई से पूछते हैं कुछ, सौरभ भाई अगली बार परमिशन लेके आएंगे, लेते कैसे परमिशन ज्योतिपुरम से परमिशन लेते हैं, वहाँ पे जगह है वहाँ पे, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। तो आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ पूरा व्यू। गाइस ये देख लो
सॉरी खुला हुआ है एक, अभी ये खुला हुआ है, देखो इतना पानी है। जब सारे खुलेंगे ना तो कितना पानी होता है ये देखो। ये मेन वहाँ पे, ये मेन गेट है, मेन गेट है, यहाँ से इंटर होते हैं। लेकिन हमारे पास परमिशन नहीं थी, अगर होती तो हम भी अंदर जाके आपको दिखाते। चलो कोई नहीं, अगली बार आएंगे तो आपको पूरा दिखाएंगे। चलो गाइस कोई बात नहीं, अब चलते हैं। वैसे ही सोचा था कि हम जाएंगे अंदर, आपको दिखाएंगे पूरा व्यू, लेकिन नहीं, पॉसिबल नहीं हो चुका। अभी आके आगे हम आते टाइम देख रहे थे एक मंदिर है, जैसे गुफा है वगैरह है, वहाँ पे देखते हैं अगर रुकेंगे वहाँ पे, नहीं तो भी देखते हैं कोई आगे अच्छी यहाँ पे लोकेशन होगी वहाँ पे रुकेंगे। तो मैं चल रहा हूँ आगे, तो सौरभ भाई आ रहे हैं पीछे, तो पीछे आप चेक करो गाइस, ठंड बड़ी यहाँ पे, पहाड़ी पहाड़ है एक्चुअली, तभी इसी कारण यहाँ पे ठंडी ठंड रहती है। तो क्या बोलते हैं, बंदा गर्मियों में आए फैमिली के साथ इंजॉय करे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी सर्दी है, ऊपर ठंड भी लग रही है हमें। तो चलते हैं, क्या करते हुए जा रहे हैं। ये देखो भाई पहाड़ी है, अभी जा रहे हैं मंदिर के अंदर, वो पीछे मंदिर है पहाड़ों के बीच में, देखो तो क्या बोलते हैं, पीछे आओ देख लो कितने सारे सौरव, एक सौरव एक रोहित बैठे हुए पीछे। तो चलो अंदर जाके देखते हैं, मिलते हैं आपको गाइस। ये मंदिर पहाड़ों के बीच में, तो चलो अंदर जाके आपको दिखाते हैं पूरा। गाइस दर्शन करके आ गए हैं मंदिर से, तो मैं आपको बता दूं अंदर श्री राम जी का मंदिर था, दुर्गा माता का मंदिर था, और क्या बोलते हैं उसको, हनुमान जी का मंदिर था। तो गाइस मैंने जी एक चीज़ नोटिस की हुई यहाँ पे हर जगह पे कि जितने भी वो भगवान वगैरह के मंदिर वगैरह हैं तो ज़्यादातर पहाड़ों में ही होते हैं। तो और आपको बता दूँ चीज़ की, यहाँ पर रियासी में ना सबसे बड़ा वो क्या बोलते हैं रेलवे ब्रिज बन रहा है, सबसे बड़ा जो भी पूरे वर्ल्ड का ना रेलवे ब्रिज सबसे बड़ा यहीं पे बन रहा है, बन चुका है वैसे, तकरीबन काम उसका लगभग हो ही चुका है उसका। तो चलो गाइस मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में सब्सक्राइब करें।